गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन अर्थात अपघटन अभिक्रियाओं की। डीकंपोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अपघटन अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाएं की ठीक विपरीत हैं। आपने पढ़ा होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर या दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर एक सिंगल यौगिक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होगा, कोई भी एक कंपाउंड दो या दो से अधिक सब्सटेंस आता है। ए सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स इंटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस अंडर सुटेबल कंडीशंस। डीकंपोजिशन रिएक्शन तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बताते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन की बात करेंगे और सबसे आखिर में हम फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन की चर्चा करेंगे। थर्मल डीकंपोजिशन अर्थात ऊष्मीय अपघटन, इसको हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कैल्शियम कार्बोनेट लिया है। कैल्शियम कार्बोनेट, एक टेस्ट ट्यूब होल्डर और एक बर्नर। हम कैल्शियम कार्बोनेट की कुछ मात्रा लेते हैं और उसे टेस्ट ट्यूब में गिरा देते हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट CuCO3। अब हम बर्नर को स्टार्ट करते हैं और बर्नर को उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए ले जाते हैं और गर्म करते समय टेस्ट ट्यूब को हम हिलाते रहते हैं, यह आवश्यक होता है। कुछ समय हम वेट करते हैं, हम देखेंगे कि कॉपर कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है गर्म करने पर और कॉपर ऑक्साइड बचता है। इस प्रकार इस प्रैक्टिकल से हमने सीखा कि कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर वह कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर हम फेरस सल्फेट लेते हैं, क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट, और क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट की कुछ मात्रा को हम टेस्ट ट्यूब में गिरा देते हैं, फिर बर्नर स्टार्ट करते हैं और बर्नर के ऊपर टेस्ट ट्यूब को ले जाते हैं, गर्म करते समय हल्का हल्का हिलाते हैं। हम देखेंगे कि जो क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट है, जब टेम्परेचर कम रहता है तो उससे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग हो जाते हैं, वाटर अलग हो जाता है और बाद में फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं। अर्थात क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में टूट जाता है। ये टेस्ट ट्यूब में बचता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। इस प्रकार थर्मल डीकंपोजिशन या ऊष्मीय अपघटन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड को गर्म किया जाता है और वो कंपाउंड दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे कंपोजिशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन। ये एक एपरेटस हमने लिया और उसमें हमने एक बैटरी, एक रिओस्टेट, एक की लगाया। रिओस्टेट के द्वारा हम रेजिस्टेंस को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के द्वारा इस जो टेस्ट ट्यूब है इनमें करंट जो एक्वस सॉल्यूशन भरेंगे हम, उस एक्वस सॉल्यूशन में करंट की वैल्यू को घटाया बढ़ा सकते हैं। हमने इसमें टेस्ट ट्यूब में वाटर भरा और वाटर के बाद हमने थोड़ा सा इसमें करंट फ्लो कराया और स्टार्ट करते हैं और करंट के बाद हम उसे देखें क्या होगा। बबल्स जा रहे हैं, थोड़े समय बाद हम देखेंगे कि जो वाटर है वो टूट जाएगा HIN और OHIN में, HIN और OHIN में टूट जाएगा। When an electric current is being passing through water, it decomposes into hydrogen gas at the cathode and oxygen gas at the anode. Cathode पर क्या होगा? Hydrogen मुक्त होगी और anode पर क्या होगा? Oxygen मुक्त होगी। Water का symbol है H2O. Water H और O से मिलकर बना है,
तो वाटर को जब हम उसमें दोबारा करंट फ्लो अगर हम करें, आप देखिए जैसे ही हम करंट फ्लो करते हैं क्या होगा, जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो आप देखेंगे कि बुलबुले उठे हैं, एक कैथोड है एक एनोड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से दोनों सर्किट पूरा सर्किट जुड़ा है, तो कैथोड पर क्या होगा और एनोड पर क्या होगा, हाइड्रोजन लिबरेट होगी एक पर और दूसरे पर ऑक्सीजन, यानी वाटर का डिकम्पोजिशन हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब हम तीसरे प्रकार के अपघटन की बात करते हैं, और तीसरे प्रकार का अपघटन है जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, प्रकाश गिरेगा, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जब उन पर हम प्रकाश को गिराते हैं, लाइट को गिराते हैं, तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में, और इसमें फेमस है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का हम प्रयोग करेंगे। जैसे एक प्लेट है और उस ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, और उस पर ग्लास पर हमने सिल्वर क्लोराइड रखा है, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला KgCl है। अब हम इस पे एक लैंप रखा है सामने, और उस पे हम लैंप से प्रकाश डालते हैं, कुछ समय हम वेट करेंगे, जो सिल्वर क्लोराइड का कलर था वो आप देखेंगे वो चेंज हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का डीकम्पोजिशन हो जाएगा सिल्वर में और क्लोराइड में, क्लोराइड क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी और शेष हमें मेटेलिक सिल्वर प्राप्त होगा। इस प्रकार के कंपोजिशन को हम बोलते हैं फोटो डीकम्पोजिशन, प्रकाश की उपस्थिति में सब्सटेंस का दो या दो से अधिक भागों में टूट जाना। दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का, आप सिल्वर ब्रोमाइड का आप एग्जाम्पल देखिएगा कि हमने सिल्वर ब्रोमाइड उसमें किया, उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, प्रकाश गिराते हैं, और प्रकाश जैसे ही उस पर गिरता है थोड़ा समय हम वेट करते हैं, आप देखेंगे कि ब्रोमीन गैस निकल जाएगी और मेटेलिक सिल्वर हमें पा। इस प्रकार आज हमने सीखा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कोई भी एक सिंगल कंपाउंड सुटेबल कंडीशंस में दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में टूट जाता है, कोई सब्सटेंस टूटता है उस पर हीट देने से, थर्मल डिकम्पोजिशन, कोई टूटता है उसके एक्वा सोल्यूशन में करंट फ्लो करने से, और कोई टूटता है फोटो डिकम्पोजिशन उस पर प्रकाश के डालने से।